मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक राशिफल सिंह। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले नए साल से यही उम्मीद रखता है। जिसके जीवन में जिस चीज की कमी होती है, वह व्यक्ति उम्मीद करता है आने वाला साल उसके जीवन से वह कमी दूर कर देगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमने बीते साल में क्या खोया क्या पाया सब भूलकर नए साल का एक नई ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं। हम सबके मन में आने वाले नए साल को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे नौ वर्ष व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नए साल में मनचाही नौकरी मिलेगी या नहीं, क्या नौ वर्ष में दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा या नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल कैसा रहेगा आदि आदि। इस तरह के सवाल मन और दिमाग में उठते रहते हैं और जब तक हमें इनका जवाब नहीं मिलते तब तक हम बेचैन रहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों को कुल 12 राशियों में बांटा गया है। इन्हीं राशियों के आधार पर ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति का भविष्य और उपाय बताते हैं। सभी राशियों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। हर ग्रह का प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है। इस भविष्य फल की सहायता से आप यह जान पाएंगे 2020 में आपको किस क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी और कौन सा क्षेत्र आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आपका 2020 का राशिफल। सिंह राशिफल 2020 के मुताबिक यह साल सिंह राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। इस साल सिंह राशि के जातकों को कुछ ऐसे सबक मिलेंगे जो जिंदगी भर उनके काम आएंगे। ये साल आपके लिए कुछ नए और अच्छे अवसर भी लेकर आएगा, जिन्हें आप अपनी ओर मोड़ने में सक्षम होंगे। आपके सितारे इस साल आपके पक्ष में हैं, इसलिए आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन, ये साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। हालांकि साल की शुरुआत अच्छी रहने की संभावना है और घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। इस साल आपको अपने भाई बहनों का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। समाज में आपका और आपके परिवार का रुतबा इस साल बढ़ेगा। इस साल कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। यदि आप परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं तो इस साल आपको कुछ समझौते करने की जरूरत है। साल के बीच में पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। इस साल आपको पारिवारिक जीवन में मिला जुला परिणाम मिलेगा। वैवाहिक जीवन, सिंह राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन प्रेम और उत्साह से भरा रहेगा। परंतु दांपत्य जीवन के स्वामी कमजोर व अस्वस्थ होने के कारण आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव दिखेगा। परंतु आपको संयम से काम लेना है और फिर जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आर्थिक स्थिति, कई उतार चढ़ावों के बावजूद भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है आपका खर्च भी खूब होगा, इसलिए आर्थिक मामलों में सोच समझ कर चलें। कई बार आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है बेवजह आपका धन खत्म हो रहा है। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक और फिर जुलाई से नवंबर तक आपके पास धन का अच्छा स्रोत रहेगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना बन रही है। इस वर्ष में आर्थिक मामलों को लेकर आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साल आपको धन कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाएगा। बस इतना ध्यान देना है इस धन को सही तरीके से खर्चें। स्वास्थ्य, सिंह राशि के जातकों को इस साल शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर खुद को पक्का रखना होगा, क्योंकि इस साल आपके स्वास्थ्य की परीक्षा हो सकती है। अत्यधिक तनाव से इस साल बचने की कोशिश करें। इस साल आपके ऊपर काम का बोझ भी होगा, जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे में काम के बीच अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें और आराम करें। वर्ष के आरंभ में आप अच्छी जीवन शैली निर्वाह करेंगे। अप्रैल से जुलाई के मध्य तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय रोगों का भाव है। इस दौरान आपको कोई ऐसा रोग लग सकता है जो लंबे समय तक चल सकता है। नवंबर तक आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के आसार हैं और पुरानी बीमारियां भी दूर होने की संभावना है। हालांकि नवंबर के बाद से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य के प्रतिकूल रहने की संभावना है। नौकरी, साल 2020 सिंह राशि के जातकों के करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने की संभावना है।
इस साल आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे आपका प्रदर्शन हर क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच आप सामंजस्य बिठा पाएंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस साल की शुरुआत में नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। कार्य में पदोन्नति के साथ कुछ जातकों के तबादला होने की भी संभावना है, जो कि आपके मन के मुताबिक होगा और इससे आपको खुशी मिलेगी। मई से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है, लेकिन उसके बाद स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस साल नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। करियर के लिहाज से ये साल सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह साल बढ़िया रहेगा, परंतु साल के आरंभ में जो काम आप करना चाहते हैं उसे पूरा होना मुश्किल होगा। साल के मध्य में व्यवसाय में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो इस साल साझेदार अवश्य ही आपसे मजबूत स्थिति में होगा, इस बात को आप गांठ बांध लें। साझेदार अपने फायदे की बात ज्यादा करेंगे, अतः आप सतर्क रहें, आपको धोखा भी दिया जा सकता है। यदि आप शेयर बाजार के कार्यों में निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य ही सोच समझ कर फैसला लें। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो जरूर लाभ होगा, परंतु कम समय में नुकसान हो सकता है। यदि आप रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। बौद्धिक कार्यों के लिए अनुकूल समय है। शिक्षा और प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को भी इस साल सफलता मिलने की संभावना है। साल की शुरुआत से मार्च के अंत तक आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मार्च से जून तक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। वो लोग जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इस दौरान जा सकते हैं। जुलाई से नवंबर तक शिक्षा के लिए पुनः अच्छा समय रहेगा और इस दौरान आप नई उपलब्धियां भी प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध राशिफल 2020 के अनुसार ये साल आपके लिए कई परिवर्तन लेकर आने वाला है। सिंह राशि के कुछ जातकों को इस साल उनका जीवन साथी मिल सकता है। वहीं रिश्ता टूटने से दुखी कुछ लोगों को इस साल नया जीवन साथी मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साल प्रेम संबंधों को लेकर मिला जुला ही रहने वाला है। जनवरी से लेकर मार्च और जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय प्रेम जीवन के लिए अनुकूल है। इस दौरान कुछ प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, इस साल अगर आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो पूरे साल आपको इन उपायों को करना चाहिए। रोज सूर्योदय से पहले उठें और नग्न आँखों से उगते हुए सूर्य के रक्तिमवर्ण के दर्शन करें। इसके बाद नहाकर तांबे के पात्र में लाल रंग के फूल और लाल कुमकुम मिलाकर जल से सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय सूत्र का पूर्ण रूप से पाठ करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।